जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के लिए दो पौधों की जानकारी दूंगा। आप सभी के मन में वो जिज्ञासा होगी कि पौधों से पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो आज जिन पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ ये बहुत ही चमत्कारी पौधे हैं। जिस घर में ये पौधे होते हैं उस घर में वंश की वृद्धि होती है, यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके पहले से कन्या है उनको यह पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली पौधे हैं। वंश वृद्धि के साथ साथ में घर के अंदर सुख शांति, धन की प्राप्ति, सभी प्रकार के दोषों की निवारण, यानी कैसा भी दोष हो आपके घर में सभी दोष दूर हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कई ऐसे भाग्यशाली पौधे होते हैं जिनका चमत्कार बहुत होता है और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन समय से कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका पहले से ही हम पूजन करते हैं, तो आज मैं आपको दो पौधों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये पौधे बहुत ही चमत्कारी हैं। जिनके पहले से कन्या हैं पुत्र प्राप्ति के लिए उनको इन पौधों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। देखो, सबसे पहला जो पौधा है वह है सफ़ेद आग का, जिसे मदार भी बोलते हैं। सफ़ेद आग का पौधा आप सभी जानते हैं इसका क्या महत्व है, और सफ़ेद आग का पौधा जिस घर में होता है उस घर में वंश वृद्धि होती है और पुत्र की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जिसकी शादी में अड़चने आ रही हों वो दूर हो जाती हैं। घर में लड़ाई झगड़े कलेश रहते हों वहाँ सुख शांति रहती है। घर में तरक्की बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, इंसान को अच्छी खासी लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है जिस घर में ये पौधे होते हैं। आग दो प्रकार के होते हैं, एक नीला आग जिस पर नीले पुष्प आते हैं, एक सफ़ेद आग जिस पर चमेली जैसे पुष्प सफ़ेद आते हैं। आप किसी माली से या नर्सरी से जाकर के यह पौधा ला सकते हैं। इसको घर में शुभ समय पर लगाएं। इसकी जड़ का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि महिला के गर्भधारण नहीं हो पा रहा है या संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो गुरु पुष योग में या शुक्र या गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांध करके इसकी जड़, छोटी सी जड़ ले लें, उसका पूजन करके और उसे धारण करें तो निश्चित रूप से ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा जो पौधा है जिसका बड़ा चमत्कार है वह है पलाश का पौधा, जिसे टेसू या डाक भी कहते हैं। ये पौधा बड़ा चमत्कारी है। ये पौधे तीन प्रकार के होते हैं। पहला पौधा जिस पर लाल या नारंगी पुष्प आते हैं, दूसरा पौधा होता है जिस पर पीले पुष्प आते हैं, और तीसरा जो पौधा होता है जिस पर सफ़ेद पुष्प आते हैं। यानी जैसे सफ़ेद आग का महत्व है उसी प्रकार से पलाश के जो सफ़ेद फूल आते हैं उस पेड़ का, पौधे का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि जिस घर में पलाश का पौधा हो उस घर में वंश की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है, हर प्रकार की आ रही मुसीबतें दूर हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत हों, यानी प्रयास कर रहे हों, उस समय खान पीन का विशेष विचार रखें। दूसरा, सम तिथि सम दिन का विशेष विचार रखें। यह ध्यान रखना चाहिए कि सम दिन और सम तिथि का विशेष महत्व होता है, इन्हीं दिनों में आपको प्रयोग करना चाहिए। कुंडली जरूर दिखाएं कि कुंडली में हमारे में पंचम भाव कैसा है, नवम भाव कैसा है, एकादश भाव कैसा है, इनमें ग्रहण की स्थिति कैसी है, हमारे संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के योग हैं कि नहीं है, ये जरूर दिखाएं। तीसरा, पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करते रहें, भगवान गणेश की पूजा करते रहें, भगवान शिव जी की जो पारद शिवलिंग होता है उसको ला करके आप घर में रखें। पारद शिवलिंग को प्रतिदिन स्नान कराएं और उस जल को तुम पिए। उस जल को पीने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और संतान प्राप्ति होती है। मृत वस्सा, काकबंध्या, बंध्या दोष, ये क्या होता है कि मृत वस्सा जो होती है जिनके पुत्र होकर के मर जाते हैं, काकबंध्या जिनके एक पुत्र होकर के फिर पुत्र नहीं होता, बंध्या दोष जिनके पुत्र ही नहीं, संतान ही नहीं होती, तो ऐसी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुत्र प्राप्ति में कई बार
कई दोषों के कारण रुकावट आती है, जैसे आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपके ग्रह शुभ स्थिति में नहीं है, पंचमेश शुभ स्थिति में नहीं है, या घर के अंदर कोई दोष है तो उसकी वजह से भी पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती है, या किसी का श्रापित दोष होता है, कोई तुम्हें श्राप दे दे, अपने मन से बद्दुआ निकाल दे पुत्र प्राप्ति के लिए कि तुम्हें संतान ही नहीं हो, पुत्र ही नहीं हो, ऐसा आप कोई गलत कार्य कर दें तो उसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आती। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको जरूर निभाने चाहिए। मैंने कई सारी वीडियो चैनल पर डाल दी हैं, आपको और वीडियो भी प्राप्त होती रहेंगी। तो जो भी चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें, जिस ऑल वाले बटन को आइकन को जरूर दबाएं, जो घंटी का बटन होता है जिससे नोटिफिकेशन पहुंच जाता है आपके पास जो भी वीडियो हम डालते हैं। पलाश के पौधे का विशेष महत्व है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जब भी पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड पहले दिन से लेकर के और छठवें दिन तक आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी ये दिन पीरियड के ही होते हैं। कैसे, पाँचवें छठे दिन लेडी जो शुद्ध होती है, उसके बाद में आपको इसका प्रयोग करना है लगातार। आपको इसका कम से कम 15 दिन प्रयोग करना है। उसका कोमल पत्ता लेना है और गाय के दूध में उसे उबालें, अच्छी तरह से उबालें कि पत्ते का जो रस होता है वह दूध में मिक्स हो जाए। उसके बाद में इस पत्ते को निकाल करके अलग फेंक दें और उस दूध का प्रयोग करें। दूध का प्रयोग करने के बाद में फिर रात्रि को आप जो है संतान पुत्र प्राप्ति के लिए कोशिश करें, ट्राई करें, तो निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। खान पीन का विशेष रूप से इस समय में आपको विचार रखना है। तीखा, गरम, मसालेदार, ये चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी। अगर जेंट्स कोई नशा करता है तो आपको नशा भी छोड़ देना चाहिए। नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करें और ये कोशिश करें कि गाय का जो दूध है वो बछड़े वाली गाय का हो, उसका बहुत महत्व होता है। जब आपको कन्फर्म हो जाए कि गर्भधारण हो चुका है, उसके बाद में भी रेगुलर आप महीने दो महीने तक गाय के दूध का ही प्रयोग करते रहें। दूसरे सेकंड मंथ पर आप शिवलिंग के बीज का प्रयोग कर सकते हैं और इस पत्ते के दूध का प्रयोग एक बार दोबारा से कर सकते हैं 5 दिन के लिए। तो यह प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली रहा है और जिन्होंने ये प्रयोग किया है उनके पुत्र प्राप्ति हुई है ज़्यादातर 90%। तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगर ज़्यादा ही किस्मत खराब है तो बात अलग होती है, नहीं तो 90% यानी 90% जो है मनोकामना पूरी होती है। तो आप इसको जरूर प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपको कुछ भी पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सअप करें। कुंडली दिखानी है या पुत्र प्राप्ति के बारे में जो भी पूछना है, आप वहाँ पर थोड़ा सा चार्ज दे करके पे करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबका भला हो सके। जय श्री कृष्ण।